नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। अभी हम लोग उपस्थित हैं स्टैटिक जीएस के साथ। रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जनरल कॉम्पिटिटिव का, उसमें स्टैटिक जीएस से 3 से 4 प्रश्न महत्वपूर्ण है पूछा जाता है, इसलिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जीएस। ध्यान से देखेंगे, सेट नंबर 4 है, सेट नंबर 8 है, सेट नंबर 8 चल रहा है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न युग में सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ये बी नंबर सुमेलित नहीं है, हैरी पॉटर वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, बताना है। तो ये हो जाएगा चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 15 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, 4 नंबर प्रश्न है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर स्मिथ, ठीक है, पहले पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मार्शल आर्ट एक खेल नहीं है। चलिए बताइए 5 नंबर प्रश्न का। तो ये डी नंबर हो जाएगा, जेल हाउस रॉक नहीं है, मतलब कौन सा शब्द उससे संबंधित नहीं है, वहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है ये बताना है, 6 नंबर प्रश्न का। तो इसमें आपका हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सुमेलित है, यानी येलो बुक फ्रांस सरकार की आधिकारिक दस्तावेज है, व्हाइट बुक किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज है, रेड बुक किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, 7 नंबर प्रश्न को आंसर करना है। तो इजराइल की। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, ये सुमेलित करना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा यानी यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से हो जाएगा, वसीम जफर का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा, राजा रवि वर्मा का संबंध ये आपका चित्रकार से हो जाएंगे, राहुल गांधी भारतीय राजनीतिक। चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, सेट नंबर 8 चल रहा है, प्रतिदिन 2 सेट कराया जाएगा आज से। सूरज ताल झील कहाँ स्थित है, चलिए सूरज ताल झील कहाँ स्थित है बताइए। तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, आंसर कीजिए। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, बताना है निम्न में से कौन से कथन सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 1 और 2 दोनों सही है। कल्पक्कम मिनी रिएक्टर को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 में चालू किया गया। कामनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थ के न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है। चलिए तो ये हो जाएगा संजय बारू। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है, 14 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। तो ये वीरता और साहस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, प्रश्न है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, चलिए बताना है 15 नंबर प्रश्न का। तो ये नई दिल्ली में। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है, चलिए बताइए 16 नंबर प्रश्न। तो ये मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, चलिए बताइए 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, 18 नंबर प्रश्न बताना है। तो ये आपका तैराकी से जुड़ा हुआ है, फ्री स्टाइल। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, प्रश्न दे रहा है निम्नलिखित में से, 19 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देश में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है,
तो ये हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा माइक्रोचिप। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।